वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और इस रेड के आइकन पर क्लिक करके हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। न्यू 3D बेल आइकन इंट्रो बेस्ट सब्सक्राइब इंट्रो मेक सब्सक्राइब बेल आइकन इंट्रो हिंदी कॉन्टेक्ट अस। भाई मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको भाई मैं फुल HD में मैं आपको दूंगा या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो उसका जो रेजुलेशन है वो आप हमसे कह सकते हो, मैं आपको वही रेजुलेशन में आपको दे दूंगा। और आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो या फिर आप हमसे सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हो 3D बेल आइकन इंट्रो के लिए। और भाई मैं आपको दो दूंगा बेल आइकन इंट्रो, यहाँ से जो देख सकते हो, एक मैं आपको 3D बेल आइकन इंट्रो दूंगा व्हाइट और जो दूसरा रहेगा वो 3D बेल आइकन इंट्रो वो ग्रीन स्क्रीन में दूंगा 3D बेल आइकन इंट्रो। और यहाँ पर जो देख सकते हैं मैं YouTube के लिए जो 3D बेल आइकन इंट्रो में दूंगा इसका जो देख सकते हो 3D बेल आइकन इंट्रो उसमें सिर्फ साउंड इफेक्ट रहेगा, जैसे कि लाइक का हो गया, सब्सक्राइब का हो गया, प्रेस बेल का रहेगा, इसमें सिर्फ साउंड इफेक्ट रहेगा जो मैं आपको दूंगा 3D बेल आइकन इंट्रो। और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो वॉइस है अपने स्टाइल से दे सकते हो या फिर अपना जो बैकग्राउंड म्यूजिक है 3D बेल आइकन इंट्रो में वो दे सकते हो। और भाई मैं आपको 3D बेल आइकन इंट्रो में आपको एक व्हाइट दूंगा एक ग्रीन स्क्रीन इसलिए दूंगा भाई जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग जो उसका जो बैकग्राउंड है वो उसका जो कलर चेंज कर सको या फिर उसका जो जैसे मैं आपको व्हाइट दूंगा 3D बेल आइकन इंट्रो में तो उसको हटा के आप उसको रेड लगा सको या फिर कोई भी मोशन ग्राफिक्स वाला वीडियो है वो भी ऐड कर सको। ग्रीन स्क्रीन से होता यही कि पीछे का जो बैकग्राउंड हटा के हम दूसरा कलर यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको 3D बेल आइकन इंट्रो में एक ग्रीन स्क्रीन दूंगा और मैं एक में आपको व्हाइट दूंगा, यहाँ से जो देख सकते हो यहाँ से मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। और मैं आपको 3D बेल आइकन इंट्रो में आपको गूगल ड्राइव में मैं पहले अपलोड करूंगा फिर मैं आपको लिंक दूंगा दो वीडियो का 3D बेल आइकन इंट्रो। और 3D बेल आइकन इंट्रो में भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चैनल का लिंक नहीं तो वीडियो का लिंक दे देना है, आपको जो 3D बेल आइकन इंट्रो है वो बच जाएगा। तो बस यही था।